Dear students, myself Dr. Seema Agrawal, once again welcome to all of you in the next e-lecture on the atomic structure. Students, previous turn पे हमने Auffer principle शुरू किया था. Auffer principles में हमने कुछ जो Pauli's exclusion principle था, Hund's का rule था, उसको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. आज हम उसी को continue करेंगे n plus l के साथ. n plus l rule नियम के according. तो इस नियम के आधार पर विभिन्न कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं की हमें जानकारी मिलती है. इससे कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरने का क्रम भी निर्धारित होता है. इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं और फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ए सबशेल ऑफ लोएस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द ऑफो प्रिंसिपल. ठीक है, अब कौन सा है लोएस्ट एनर्जी का, इसके लिए क्या है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है जो कि क्या करता है, विच गिव्स द आइडिया रिगार्डिंग द रिलेटिव एनर्जीज फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर. ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड एन प्लस एल रूल, इन विच एल इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम नंबर है. ठीक है, और जो एल है वो आपका क्या है, वो आपका दिग्दर्शी या एजी मिथाइल क्वांटम नंबर है. ठीक है, तो इन जनरल इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द सबशेल फॉर विच एन प्लस एल वैल्यू इज मिनिमम. ठीक है, बट वेन एन प्लस एल वैल्यूज आर सेम फॉर टू और मोर सबशेल द इलेक्ट्रॉन प्रीफर्स टू ऑक्यूपाई द सबशेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ एन इज लोअर इन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एन प्लस एल वैल्यूज. ठीक है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है या एन प्लस एल की वैल्यू का मान न्यूनतम हो, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू यदि मिनिमम होगी तो उसकी एनर्जी भी मिनिमम होगी. लेकिन यदि कोई दो ऑर्बिटल है जिनमें n प्लस एल का मान समान आता है, जिनमें n प्लस एल का मान क्या है, समान आता है, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान न्यूनतम हो और इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरा जाएगा. यानी n प्लस l के लिए मान लीजिए दो सबशेल हैं जिनमें n प्लस l की वैल्यू सेम आती है, तो फिर किस में जाएगा, पहले तो किस में जाएंगे जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू कम हो. लेकिन मान लीजिए n प्लस l की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम है तो फिर किस में जाएंगे, उसके लिए जाएंगे जिसमें कि n की वैल्यू कम होती है. इसमें भी हमें जो एक्सेप्शन में मिल जाते हैं, यदि आपका हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होगा या खाली होगा तो उसमें एक्सेप्शन इससे इस रूल से अलग होगा. ठीक है, अब इसको देखने समझने के लिए अपन ये टेबल है. मान लीजिए आपकी सबशेल कितनी है, 1s है, तो 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, n, और l की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये अपन पढ़ चुके हैं. l की वैल्यू कितनी है, 0 टू n माइनस 1 है ना. तो l की वैल्यू यदि 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो n प्लस l कितना होगा, 1. ठीक है, यदि 2 है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 2, और l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, एक तो 0 और एक 1. n इज इक्वल टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, तो एक तो इसकी 0 हो गई और एक इसकी n माइनस 1 हो गई. तो इसके लिए क्या हो गया, n प्लस l 2 और इसके लिए हो गया 3. ठीक है, तो सेकंड में कितने हो गए, सेकंड एनर्जी में 2sn 2p. अब थर्ड एनर्जी शेल में यदि अपन आते हैं तो थर्ड एनर्जी में क्या है, 3s, थर्ड एनर्जी लेवल पे 3s सब शेल यदि 3s है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 3. एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ये है ना, 0, 1 एंड 2. ठीक है, तो इसके लिए n प्लस l वैल्यू हो गई 3, इसके लिए हो गई 4 और इसके लिए हो गई 5. अब हम यदि फोर्थ उस पे आते हैं, फोर्थ उस पे आते हैं, सबशेल हमारी
ऐसा कौन से फोर्थ सब शेल है, तो फोर्थ सब शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, फोर। अब इसके एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, वन, टू एंड थ्री, ठीक है, फोर एफ में। तो प्रिंस एन प्लस एल फोर, ठीक है, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया और ये आपका सेवन हो गया। इस तरीके से हमारा आता है। तो इन जनरल यदि हम इसमें देखें तो इस नियम के अनुसार जो सबशेल है उनकी ऊर्जा का क्रम कितना होगा, 1s की सबसे कम होगी, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से होगी। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि जब फर्स्ट टेंशन सीरीज यानी एटॉमिक नंबर 21, इसका एक एग्जांपल देखिए समझ लिए, इसमें क्या है, 21st इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3d सबशेल में होता है, बजाय किसके, 4p की अपेक्षा। ये अपन पढ़ते हैं। अब n प्लस l वैल्यू क्या है इन दोनों के लिए सेम। अब 3d के लिए देखिए कितने, 3d के लिए n हो गया 3, l हो गया 2 और ये हो गया 5, ठीक है। और 4p के लिए भी आप देखिए 4 और 1 5, तो दोनों के लिए 3d के लिए भी 5 है और 4p के लिए भी 5 है। लेकिन अब n की वैल्यू इसमें किसमें कम है, इसमें कम है ना 3, इसलिए किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 3d में आएगा और फिर 4p में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो 21 है उसमें 3d सबशेल में आता है, 4p में नहीं आता है, जिसमें इनकी n प्लस l वैल्यू दोनों के लिए सेम है। क्यों, क्योंकि 3d में n की वैल्यू कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएगा, 3d में जाएगा, उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अब इन जनरल अपन कह सकते हैं, ये वाला अपने को ऑर्डर मिलता है, 1s की एनर्जी, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4p, 4f, 5d एंड सो ऑन। इसके आगे भी अपन इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें जो है 4s ऑर्बिटल 3d के पहले आ रहा है, 4s ऑर्बिटल 3d के पहले आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अंदर वाले ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इसलिए मतलब इस तरीके से होता है कि जो 4s के ऑर्बिटल जो है वो 3d की अपेक्षा कम स्क्रीन होते हैं, शील्डेड होते हैं और इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी ये 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है, क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है। इस तरह से शील्ड मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इस तरीके से डालता है कि 4s की एनर्जी कम हो जाती है और 3d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और सेम की सेम बात किसमें है, फिर 5s एंड 6s में, ठीक है। तो 4s किसके पहले है, 3d के पहले, 5s किसके पहले आ रहा है, 4d के पहले, और 6s किसके पहले आ रहा है, 5d के पहले आ रहा है, क्योंकि इनकी शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। अब यदि देखिए हम ये वाला एनर्जी डायग्राम और देखिए, इससे आपको क्लियर होगा वेरिएशन एनर्जी लेवल्स विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप इसको इसको देखिए, इस फिगर से आप क्या देखोगे कि 4s 3d के नीचे है, ठीक है, 3d के नीचे है, इसे 4s क्या है, पहले भरा जाएगा, ठीक है। और यानी आप ये कह सकते हो कि जो 4s की इस सबशेल जो है उसकी एनर्जी 3d से कम होती है ना। इसी तरह आप ये देख सकते हो यहाँ पे 5s की एनर्जी 4d से कम है, 6s की एनर्जी 5d से ज्यादा एंड सो ऑन,
ठीक है। तो एनर्जी लेवल को भी आप यदि एटॉमिक नंबर से देखें तो क्या आएगा आपका, इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर आपको मिलता जाएगा। ये आपकी फर्स्ट एनर्जी शेल है, ये सेकेंड एनर्जी, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। फोर्थ थर्ड एनर्जी शेल में देखिए 3s एंड 3p और 3d की एनर्जी देखिए ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई 3d की एनर्जी। और ये जो फोर्थ सब शेल है इसमें 4s की एनर्जी इतनी है और 3d की एनर्जी इससे भी ज्यादा हो गई, ठीक है। और फिर जब अपन फिफ्थ एनर्जी शेल पे आते हैं तो ये देखिए 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा है, इसलिए 5s इलेक्ट्रॉन पूरा भरता है, ठीक है। अब हम देखिए, अब जब हमने n प्लस l रूल देख लिया, हमने इनके एनर्जी लेवल देख ली, तो इट इज नाउ पॉसिबल टू नो द सीक्वेंस इन विच द एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड। ये वाला है आपका पूरा का पूरा एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप रफली बता सकते हो। ये देखिए, ये अपने फर्स्ट लिया 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। यहां से अपना ये सेकेंड एनर्जी शेल हुआ 2s 2p, ठीक है। सेकेंड में आपका क्या पीबी शुरू हो गया, थर्ड में आपका डी शुरू हो गया और फोर्थ में आपका 4f सब शेल शुरू हो गया। तो पहला जो एनर्जी शेल है उसमें क्या है, सिर्फ s ऑर्बिटल है। दूसरे में आपके s और p हैं, तीसरे में आपके s p और d हैं, चौथे में आपके s p d एंड f है, एंड इस तरीके से आपको ये चलता जाएगा। अब यदि अपन इलेक्ट्रॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो अपन 1s लिखते हैं, इस तरीके से चलते हैं, हमेशा इधर से आएंगे अपन 1s के बाद, फिर अपन इधर से आएंगे क्या आ रहा है 2s, ठीक है। 2s के बाद फिर अपन कहां से चलेंगे, इधर से चलेंगे 3p एंड फिर 4s, ठीक है। अब अपन फिर यहां से चले 4s के बाद फिर क्या आएगा, ये 3s होगा, 3s 3p, ठीक है। 3s 3p के बाद फिर क्या रहा 4s, 4s के बाद फिर देखिए 3d 4p एंड 5s, 5s के बाद फिर अपन यहाँ खत्म हो गया। यहाँ से फिर अपन चलते क्या रहा 4d, यहाँ पे आया 6s, 6x के बाद फिर अपन ने क्या करा, यहाँ से लिया तो क्या आया 6f, ये आ गया आपका 7s, 7s के बाद फिर अपन यहाँ से चले तो ये इस तरीके से आया। कहने का मतलब है आप पहले सारे एनर्जी उससे खींच लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड वाले से आपकी पी शुरू हो गई, थर्ड से आपकी डी शुरू हो गई, ठीक है, फोर्थ से आपकी, उसके बाद आप इनको यहां से आप लेते जाइए, यहाँ खत्म हुआ, फिर आपको यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक चले, फिर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको देखिए, इस तरीके से लिखेंगे करेंगे अपन इसको, मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे ये आपने पहले ले लिया 1s, 1s के बाद फिर आप कहाँ से चलेंगे, ये आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से 2s आ गया, 2s के बाद फिर ये आ गया, फिर ये आपने यहाँ से लिया 2p, ये एरो का निशान लग रहा है ना, यानी कि ये यहाँ से आ गया 2p, ठीक है। 2p के बाद फिर आप किस पे आ गए, 3s, 3s के बाद फिर आप यहाँ से ले लीजिए, ये किस पे आ गया 3p, 3p के बाद फिर आप क्या आ गए 4s, 4s के बाद फिर आप यहाँ से आएंगे, मतलब कहने का मतलब है शुरुआत आप यहीं से करेंगे 3d, 4s के बाद 3d आ रहा है, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद फिर क्या आ रहा है आपका 4d, इस लेंगे शुरुआत यहीं से करनी है आप, ठीक है। 4d, 4d के बाद फिर ये 6s, 6s के बाद आ रहा है आपका ये देखिए, फिर ये देखिए 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और 7s के बाद फिर क्या आएगा आपका, फिर आप कहां से शुरू करेंगे, ये यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जो है वो
सीक्वेंस आ जाता है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो फिगर है ये कोई एक आयनाइजेशन डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये इसलिए हम इट शुड नॉट बी यूज टू डिसाइड विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड व्हेन एन आयन इज फॉर्म फ्रॉम एन एटम, क्योंकि आयनाइजेशन डायग्राम नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता सकते कि ये इस उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें जब कोई आयन बनता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। जब हम n प्लस टू आयन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 4s इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्ट्रेरी है इसके फिलिंग के इलेक्ट्रॉन, मतलब फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन करते हैं उसके जस्ट अपोजिट है। आयन बनाते समय 4s पहले निकल जाता है। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको आप ये मतलब है ना इस तरीके से आयनाइजेशन डायग्राम के फॉर्म में आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायग्राम। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि वेरिएशन इन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन डिफरेंट एटम्स, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफन वेरी इन डिफरेंट एटम्स, इट मे इवन वेरी बिटवीन एन एटम एंड इट्स आयन। क्या कह सकते हैं, विभिन्न परमाणु के जो समान कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा में अंतर होता है, परमाणु और उसके आयनों की ऊर्जा में भी अंतर पाया जा सकता है, ठीक है। एटम और उसके आयन की ऊर्जा में भी अंतर पाया जाता है। विशेष प्रत्येक परमाणु के लिए विशेष ऊर्जा कक्षक होते हैं, ठीक है। ईच एटम और इट्स आयन हैज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज, वो किस किस पर डिपेंड करती है, जो कि एक तो नाभिक के आवेश पर डिपेंड करती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे हुए कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ईच एटम और इट्स आयन हैज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज डिपेंडिंग ऑन इट्स न्यूक्लियर चार्ज एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैंने आगे की स्लाइड में बताया हुआ है, ये वाली स्लाइड है। यदि हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को यदि हम देखें कि एनर्जीज के डायग्राम को, तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी शेल में जितने भी उपकोष होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। 1s में तो खैर कोई सवाल ही नहीं, 2s सेकेंड एनर्जी शेल में देखिए जो सब शेल है 2s और 2p इनकी एनर्जी बराबर है। 3 शेल में जो सब शेल है 3s 3p 3d इनकी एनर्जी बराबर है। फोर शेल में जो सब शेल है एस पी डी एफ उनकी एनर्जी बराबर है। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन के अलावा और एटम्स को देखें, यानी हम नियोन से लेके कैल्शियम की तरफ, तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ती जा रही है या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इनका बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी जो है सारे ऑर्बिटल्स की डिक्रीज होती जा रही है ना। हाइड्रोजन के अलावा जो और दूसरे एटम है इसमें तो मैं बता ही चुकी आपको हर सब शेल की एनर्जी बराबर है, लेकिन दूसरे एटम्स में ऐसा नहीं है। नियोन से लेके यदि अपन कैल्शियम की तरफ चले तो 4s की एनर्जी 3d से कम है, ठीक है। लेकिन स्कैंडियम के आगे की तरफ हम चलते हैं तो फिर क्या है, 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाती है। यहाँ पे इसमें लगभग बराबर बताया लेकिन थोड़ी सी एनर्जी इसकी कम है। यदि अपन इसको देखें आगे चल तो 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3d की एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में तो क्या है, सब शेल की एनर्जी बराबर है,
लेकिन नियोन से कैल्शियम की तरफ हम चलते हैं तो 4s की एनर्जी 3d से यहाँ पे कम होती है, स्कैंडियम ऑनवर्ड्स हम चलते हैं तो 3d की एनर्जी 4s के अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, विभिन्न परमाणु के समान कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं में ये अंतर होता है। तो हमने ये देखा, व्हाइल स्टडिंग द अबव फिगर इट शुड बी नोटेड दैट एनर्जीज ऑफ ऑल ऑर्बिटल डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। All orbitals of the same shell have the same energy in case of hydrogen atom, but it is not in the case of other atoms. In elements neon to calcium, 4s orbital is lower in energy than 3d, but in elements scandium onwards, the 3d orbital has lower energy than 4s. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा n प्लस l रूल। लेकिन कभी कभी ऑफो प्रिंसिपल से डेविएशन भी हो जाता है, विचलन भी हो जाता है। वो विचलन क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफो सिद्धांत द्वारा दिए गए क्रम में नहीं होते हैं। ठीक है, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एज इंडिकेटेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज इज इन सम केसेस अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफो प्रिंसिपल। ये क्यों होता है, ये जो डेविएशन होता है क्यों होता है, या तो एक या दो एस इलेक्ट्रॉन के n-1d ऊर्जा स्तर में जाने से उत्पन्न होता है, क्योंकि s और d जो ऑर्बिटल्स हैं या सब एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण जो इस कारण क्या कहते हैं, जो आधे भरे हुए या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं। These little deviations from regularity involves the placing of one or two ns electron into n minus one, ये n minus one आएगा, n one नहीं आएगा, है ना, यहाँ देख लीजिएगा आप, ये यहाँ पे क्या आएगा, n minus one आएगा ये यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे आएगा n माइनस वन। n माइनस वन डी, है ना, तो n माइनस वन डी और ns में, यानी आप जैसा देखते हो कि थ्री डी और फोर एस में क्या होता है, अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, तो s के एक इलेक्ट्रॉन क्या चले जाते हैं, d में चले जाते हैं, इससे ऑफो प्रिंसिपल से थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सच s एंड d लेवल्स इज वेरी स्मॉल एंड कंसीडरेशन ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। इनके बीच में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को देखते हुए नेक्स्ट सबशेल में चले जाते हैं। जैसे कि देखिए, फॉर एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, 3d4 एंड 4s2, लेकिन होता कितना है, 3d5 एंड 4s1, एक्चुअल इतना होता है, तो डेविएशन हो गया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ये मैं आपको अपन सेकेंड में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, और यहाँ पे इसलिए ये एक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा होता है, ऑफ प्रिंसिपल से थोड़ा सा डेविएशन हो गया। सिमिलर केस
फॉर एटॉमिक नंबर 29, 3d9 एंड 4s2 होना चाहिए. ओहमो के अकॉर्डिंग होता कितना है एक्चुअल 3d10 एंड 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s और d की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है. अगेन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, d9 में आ जाएगा, क्योंकि d10 कैसा था, स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, इसलिए ये भी यहाँ पे भी डेविएशन हो गया. सिमिलरली देखिए एटॉमिक फॉर एटॉमिक नंबर 42 मॉलिब्डेनम, इसमें भी यही है. 24 के क्रोमियम मॉलिब्डेनम क्रोमियम के जस्ट नीचे है, ठीक है, तो यही हाल हो रहा है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया. 46 पैरिडियम 3d8, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया. सिल्वर 3d9 एंड 5s2, जैसे जस्ट लाइक कॉपर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, d10 एंड 5s1 हो गया. प्लेटिनम जस्ट लाइक पैलेडियम, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आता है प्लेटिनम में, और ये d9s1 आ गया. गोल्ड कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, तो d9 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और क्या हो गया, तो ये जो है